करंट अफेयर्स हेडलाइंस। यूएई में दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। एयर मार्शल एसबी देव वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त। दीपा मलिक और अनुनिमा सिन्हा को स्वच्छ दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी प्रदान की। धोनी ने एक दिवसीय और 2020 क्रिकेट कप्तानी से इस्तीफा दिया। अमेरिकी सेना ने सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दी। अभिनेता ओम पुरी का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। यूएई में दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में दाऊद का एक होटल तथा कई रियल एस्टेट से जुड़ी संपत्तियां जब्त की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा के दौरान दाऊद की प्रॉपर्टी का डॉसियर यूएई सरकार को सौंपा गया था। दाऊद ने तुर्की, साइप्रस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा सीशेल्स में कई संपत्तियां पंजीकृत करवा रखी हैं। एयर मार्शल एसबी देव वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त। उन्हें एयर मार्शल बीएस धनोवा के स्थान पर नियुक्त किया गया। इससे पहले एसबी देव पश्चिमी वायु कमान के कमांडर थे। एयर मार्शल एसबी देव एक प्रमुख फाइटर बेस के असिस्टेंट ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं। दीपा मलिक और अरुणिमा सिन्हा को स्वच्छ दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दीपा मलिक और अरुणिमा सिन्हा को स्वच्छ एनडीएमसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नई दिल्ली नगर निगम ने रियो पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक और अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ियों का चयन किया। एनडीएमसी ने काउंसिल की इमारतों और संसद मार्ग पर दिव्यांगों की सुविधा हेतु इंतजाम किए जाने की भी घोषणा की। आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी प्रदान की। पेटीएम फरवरी 2017 से देश में अपनी पहली ब्रांच खोल सकेगा। सीईओ विजय शेखर शर्मा के अनुसार पेमेंट बैंक पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक के तौर पर काम करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक में विजय शेखर शर्मा 51% के हिस्सेदार हैं। धोनी ने एक दिवसीय और 2020 क्रिकेट कप्तानी से इस्तीफा दिया। महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट टीम की कप्तानी पहले ही छोड़ चुके हैं। वे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 श्रृंखला में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ष 2007 में आईसीसी 2020 विश्व कप जीता था। अमेरिकी सेना ने सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दी। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक सेना में अपनी सेवाएं देते समय अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी मान सकते हैं। अमेरिका के सैन्य सचिव एरिक फैनिंग द्वारा जारी नए नियमों में धार्मिक पहचानों को समाहित किए जाने के लिए आग्रह किया गया। इससे पहले सीमित लोगों को ही धार्मिक पहचान रखने की अनुमति थी। अभिनेता ओम पुरी का निधन। 66 वर्षीय ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने पर मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1976 में फिल्म घासीराम कोतवाल से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी फिल्म अर्धसत्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।